हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर। यहां पर दोस्तों मैंने आपके साथ जिल कॉइन जो है उस पर डिस्कस करना है कि आप अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे दोस्त जो है ना वो इंस्पायर हो जाते हैं ग्रीन कैंडल्स देखकर, तो उसके बारे में बात करना मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली उसका प्राइस बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप में हो गया है। इससे पहले भी मैंने उस पर दोस्तों एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन पर बात करने वाले हैं, बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक उसका प्राइस जो है वो जा सकता है, मतलब डिप अगर मारता है और भी तो मतलब क्या पॉसिबल है कि कहाँ तक इसका प्राइस जो है वो जा सकता है, उसको थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा कुछ न्यूज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड शेयर करनी है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से ही हमारे सेंटिमेंट्स आपके और मेरे मतलब सबके बनते हैं और वहीं से दोस्तों प्राइजेस जो है वो सर्च करना या फिर डिप में जाना शुरू करती हैं, क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स ही एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये कोई दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट अपने व्यूज़ जो है वो और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको जो सही लगे वो कीजिएगा। नंबर वन दोस्तों यह है कि मार्केट जब इस कंडीशन में चल रहा हो तो क्या हमें यहां पर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। अब पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि ये आप पर डिपेंड करता है, मतलब दुनिया का कोई बहुत बड़ा ट्रेडर जो है ना वो नीचे उतर के आ जाए और भाई आके आपसे कहे कि भाई मेरी जो प्रेडिक्शन है ना यहाँ पर वो कभी भी गलत नहीं होती है, हम जो कहते हैं वो सही होता है, भैया आप मेरी बात माने तो आपने नहीं मानी। एजाज भाई तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, कोई भी हो आपने अपनी जो है वो रिसर्च ज़रूर करनी है, उसके बाद ही आपने जो है ना वो डिसीजन लेना है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, कोई कुछ भी कह दे ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब देख लेते हैं कि मतलब टाइम कौन सा सही होता है एंट्री मारने का। मेरी नज़र में दोस्तों एक्चुअली ये है कि टाइम जो है वो सही, फॉर एग्जांपल आप ये XRP की प्राइस को देखें, XRP हाई बनाया यहाँ पर, XRP ने फिर प्राइस डिप में है ठीक है। आप यहाँ पर अच्छा कार्डानो को देख लें तो ये मतलब इनका सही टाइम होता है बाय करने का। मार्केट जब इस कंडीशन में चल रहा है, अब मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है, मतलब फील हो रहा है कि यस BTC जो है वो $50,000 तक जा सकता है। अब हम BTC को जो मतलब अभी जो आपकी नई ट्रेड्स होंगी वो डिपेंड करेंगी इस चीज़ पर कि आप मतलब बहुत ही होडल वाले हैं तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दें, अदरवाइज दोस्तों 50K तक मतलब आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं पॉसिबली ठीक है। BTC जब $50,000 पर जाएगा तो आपके पास जो भी कॉइन्स होंगे वो उस हिसाब से अपनी मतलब 5% 10% 15% 20% करके ऐसा ऐसा आपको वो गेन देंगे और उनका प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे होंगे और आप अपना प्रॉफिट बुक करें, यही एक तरीका है ना, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ZIL USDT के चार्ट को, ये आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइस जो है ना वो ऊपर गया। अब यही सिचुएशन लास्ट टाइम आपको या आपको याद होगा कि अक्टूबर में मतलब शिबा के साथ हुआ है ठीक है, उसके और फिर बेबी डॉल के साथ भी यही हुआ, बिटकॉइन भी इस तरह से मतलब प्राइस जो है वो ऊपर गया, लेकिन बिटकॉइन का ऐसे नहीं गया जैसे ये है। अब ये मतलब इतनी जो कैंडल्स बनती है ना दोस्तों ये हाइप बेस्ड ये करेक्शन करती हैं, मतलब अब यहाँ पर ये हाई आपको शो हो रहा है ठीक है, आप देख रहे हैं ये हाई बन रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर कैसे एंट्री लें यार, क्या मतलब यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी चाहिए तो प्राइस कहाँ तक जाएगा अगर आप यहाँ पर इसको मतलब बाय करते हैं तो प्राइस, आप क्या सोच रहे हैं कि ये हाई जो इसने बनाया है लास्ट टाइम ये तोड़ेगा और आप मतलब ये वेट कर रहे हैं, ज़रूरी है ये हो जाए, ज़रूरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने एक्चुअली ये करना है कि मतलब अब वेट करना है, भले ये अपना हाई शाय जो भी है ना वो तोड़ दे या ब्रेक करके आ जाए या उससे पहले ही वापस आ जाए, तो अब यहाँ पर आपने फाइंड करनी है सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल एक ये सपोर्ट बन रही है, ये तो कन्फर्म सपोर्ट है ना, ये डे की कैंडल की आपको बता रहा हूँ, ये कन्फर्म सपोर्ट है, उसके बाद ये एक सपोर्ट बन रही है, उसके बाद प्राइस और भी नीचे आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ सकता है 0.07 तक इवन। क्यों आ सकता है भाई, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर टिक नहीं सकता, क्यों मतलब चार्ट की कंडीशन देखें ना ये किस तरह प्राइस सर्ज हुआ, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है स्टेबिलिटी के साथ, प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर इस तरह से ठीक है। और यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से सॉलिडली प्राइस ऊपर गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक। तो अच्छा ये यहाँ पर कैंडल्स बनी है, आप खुद देख सकते हैं ये बड़ी कैंडल बनी लेकिन फिर प्राइस नीचे आया, फिर बनी फिर प्राइस नीचे इस तरह। अब यही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी हो सकती हैं, मैं आपको एक और यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए प्राइस ऊपर चला गया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अब ये कितनी बड़ी एक रेड कैंडल बन गई, प्राइस जो है वो यहाँ पर करेक्ट अपनी करेक्शन करने लग गया। अब बात ये है कि यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, ये आप यहाँ पर देखें प्राइस ये इस तरह ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर फिर नीचे, लोअर हाइज जो है वो इसने बनाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर ये इस तरह से बन तो गया है लेकिन ये टिक पाएगा, आई डोंट थिंक सो, इसलिए आपको वेट करना चाहिए। अगर आप ज़िले का में 200 एंट्री लेना चाहते हैं तो
वेट करें, प्राइजेस जो है वो कम से कम मतलब 10 सेंट से, 10 से 12 सेंट तक आप इसको, 12 सेंट 15 सेंट कर लें, वहाँ पर आप आकर जो है ना वो इसमें एंट्री लीजिएगा। उससे पहले अब एंट्री नहीं लेनी, ये मैं ज़िलिका की आपको बात बता रहा हूँ, फोमो में नहीं आना, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों ये जो आपके सामने मैं न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ बहुत बड़ी न्यूज़ है, अगर दोस्तों बिटकॉइन फिएट की तरह यूज़ होने लग जाए क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है थोड़ा सोचें। बिटकॉइन कुड हिट 4.8 मिलियन इफ़ इट रिप्लेस फिएट, वैन एक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वैन एक एग्जीक्यूटिव एरिक फाइन एंड नटालिया गोरेशिया हैव क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूइंग गोल्ड एंड बिटकॉइन इफ दे वर टू बिकम ग्लोबल रिजर्व एसेट। देयर मॉडल प्रेडिक्ट अ टॉप प्राइस ऑफ 4.8 मिलियन फॉर बिटकॉइन एंड 31,000 पर ओंस फॉर गोल्ड। तो $31,000 का पर ओंस जो है वो गोल्ड हो सकता है, और बिटकॉइन की प्राइस $4.8 हो सकती है अगर वो फिएट, ये जो आप पेपर करेंसी यूज़ करते हैं इसकी तरी मतलब इसको रिप्लेस कर दें। तो बिटकॉइन के अंदर मैं सिर्फ ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पोटेंशियल मौजूद है, मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये जब पोटेंशियल मौजूद है भाई, ज़रूरी नहीं है कि फिएट की जगह मतलब अभी आ जाए, लेकिन एक वक्त आ सकता है कि जब ये सारा कुछ हो जाए, ये जब होगा तो बिटकॉइन या फिर इथेरियम या सोलाना आइडा और ये बहुत सारी इतनी क्रिप्टो करेंसीज जो है उनमें से जो टॉप की हैं उनकी प्राइस क्या हो सकती है, ये आपने खुद सोचना है। मैं अभी मतलब कुछ नहीं कह रहा, जस्ट आपके साथ ये मैं थोड़े थोड़े रिव्यूज़ जो है वो शेयर करता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पर। ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर सुबह ही किसी दोस्त ने सवाल पूछा था कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो क्यों डाउन जा रहा है, तो चार्ट में आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आप देखें, हाई के बाद जो डाउन बन रहा है यहाँ पर फिर प्राइस जो है वो ऊपर उठना शुरू हुआ है। अब ये 50K तक जा सकता है, 50K से मतलब ये 51 तक मतलब इसके जाने के चांस है। अगर ये लोअर हाई बनाता है तो 51 तक नहीं जाएगा, 50 तक जाएगा, ठीक। 50,000 से $50,000 तक मतलब इसका प्राइस जो है वो जा सकता है और फिर एक डाउन ट्रेंड नया बना सकता है, फिर प्राइस जो है वो डाउन आ सकता है। लेकिन ये जो डिप मतलब नज़र आ रहा है, फील हो रहा है कि यार ये डिप है शायद, ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा प्राइस इसका जो है वो 44,000 समथिंग पर जो है वो आ चुका है, अब उसके बाद फिर बुलिश हो गया मार्केट। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, $44,000 पर बिटकॉइन मिल रहा होगा इस कंडीशन में तो हर कोई लेगा, मतलब जिसके पास पैसे होंगे, मैंने तो नहीं लिया। लेकिन अब आगे कहाँ तक जा सकता है, 50,000 की रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है दोस्तों, यहाँ तक जा सकता है। नीचे आने के कहाँ तक चांस हैं, वैसे मतलब एक जो लोकल सपोर्ट थी वहाँ तक प्राइस अपना जंप ले चुका है, वहाँ तक आ चुका, अब ऊपर जाने के ही चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये एक कैंडल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी, उसको यहाँ पर उसने रिट्रेस कर दिया है, करेक्शन इसकी हो चुकी है, बाकी ऐसा ऐसा करके प्राइस जो है वो ऊपर गया था। अब एक चीज़ और बताता हूँ, नीचे मतलब एक अच्छी स्ट्रांग सपोर्ट जो है ना वो $42,000-$41,000 पर मतलब 40,000 से $42,000 तक बन रही है, वहाँ तक प्राइस के आने के चांसेस बिल्कुल बिटकॉइन के हैं। अभी अगर बिटकॉइन यहाँ तक आता है तो आपके वैलेट में जो भी कॉइन्स पड़े हुए हैं उनका मतलब प्राइस जो भी होगा, आपने ये जहन में रखना है कि भाई अब आप डिसीजन ले लें कि अगर 41 से प्राइस नीचे चला जाता है, मेरी नज़र में बिटकॉइन में ये ख़राब बात होगी, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कहें कि बिटकॉइन का जो अब ट्रेंड है वो मतलब रहना चाहिए, तो वो इस तरह से रह सकता है कि उसका प्राइस जो है वो 40 से अब डाउन नहीं जाए, ठीक है, 40-41 से डाउन नहीं जाना चाहिए। अब बिटकॉइन को दोस्तों समझने के लिए यहाँ पर इथेरियम भी बड़ी सपोर्ट हमें कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि इथेरियम का जो चार्ट है वो बिटकॉइन की प्राइस को ज़रूर यहाँ पर सपोर्ट करेगा। ये दो टॉप की कॉइन्स हैं, ये इसने जो अपना लो बनाया है वो $3,200 पर बनाया, और उसके बाद इसका जो कैंडल बना है आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बनी है, और इसका प्राइस $3,400 तक ऑलमोस्ट जाने को है, 35 तक में भी मतलब ये पहुँच जाए। अगर ये $3,500 तक चला जाता है तो मतलब बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन ये चार्ट दिखाने का मेरा मकसद आपको ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह ये मतलब एक अब ट्रेंड मतलब नज़र आया था, फिर लो हो गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यह है कि इसने हाईज तोड़े हैं, मतलब इस वाले हाई को भी तोड़ा है और इस वाले हाई को भी तोड़ा है, नो डाउट कि यहाँ से फिर इसका प्राइस डाउन आया है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि अब इसको मतलब ये ब्रेक कर देगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो इथेरियम बहुत ही अच्छा गेन देने के लिए मतलब काबिल मतलब हो चुका है। इससे पहले मैं कह रहा था कि इथेरियम का प्राइस जो है वो $2,100 या इवन $1,700 तक आने के चांसेस थे, लेकिन अब वो चांसेस मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मतलब अच्छी बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वहाँ तक आए जो मैं सोच रहा था। ओवरऑल मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में नज़र आ जाए हमें, मतलब वो ज़्यादा बेहतर है।
आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।